हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हेक्सियर बोहलिन का सिद्धांत पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक देखा कि यह मान्यता है कि 1:1 रिलेशनशिप पाई जाती है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु श्रम प्रधान है वह हमेशा श्रम प्रधान रहेगी और जो पूंजी प्रधान है वह हमेशा पूंजी प्रधान रहेगी। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा था कि इसके लिए शर्त यह है कि दोनों का जो समुत्पाद वक्र है, जिसे हम उत्पादन फलन कहते हैं, वह केवल एक दूसरे को एक बार काटे। यदि वह एक बार काटता है तब तो 1:1 रिलेशनशिप पाई जाती है, लेकिन अगर वो दो बार काट देता है, कल हम लोगों ने देखा था, तो वह स्थिति फैक्टर रिवर्सल की कहलाती है, साधन उत्क्रमणीयता की कहलाती है, और ऐसी स्थिति में 1:1 रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो फैक्टर रिवर्सल की हम व्याख्या कैसे करेंगे, साधन उत्क्रमणीयता की व्याख्या कैसे करेंगे, हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। फैक्टर रिवर्सल 1:1 के संबंध की अनुपस्थिति को साधन उत्क्रमणीयता कहते हैं। कभी कभी आपसे एक लाइन के सवाल में ही पूछा जाता है कि फैक्टर रिवर्सल क्या है या 1:1 रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो आपको ये दोनों स्पष्ट पता होने चाहिए कि 1:1 रिलेशनशिप का मतलब कि जो वस्तु साधन के हिसाब से श्रम गहन है वह हमेशा श्रम गहन रहेगी और जो पूंजी गहन है वह हमेशा पूंजी गहन रहेगी, और यदि उत्पादन फलन को व्यक्त करने वाले समुत्पाद वक्र दोनों ही वस्तुओं के एक दूसरे को एक से अधिक बार या दो बार काट देते हैं तब फैक्टर रिवर्सल का केस पाया जाता है। हम लोगों ने पीछे देखा है कि फैक्टर रिवर्सल को हम कैसे व्यक्त करते हैं। यहाँ पहले हम देखिए, यहाँ चित्र में जो व्याख्या की गई है वह एक्स अक्ष पर लेबर, वाई अक्ष पर कैपिटल दिखाया गया है, और जब दोनों समुत्पाद वक्र एक दूसरे को दो बार काटते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि उसको हम ऊपर की तरफ उसी के समानांतर खिसका करके एक ऐसा बिंदु ले आते हैं जहाँ की दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और वहीं जब कीमत रेखा स्पर्श करती है तो हम यह बताते हैं कि वहाँ फैक्टर इंटेंसिटी दोनों वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में एक समान होती है। तो क्या हम ऐसा एजवर्थ बॉक्स में दिखा सकते हैं? क्या एजवर्थ बॉक्स में कोई ऐसा विकल्प विद्यमान है जिससे हम यह दिखा सकते हों कि दोनों सब वस्तुओं के उत्पादन की साधन गहनता एक जैसी है, और उसे हम विस्तार पथ, एक्सपेंशन पथ या OT के नाम से व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखें, हम लोगों ने पीछे इसको देखा भी है, ये समुत्पाद वक्र हैं दो वस्तुओं की, कौन किसका है वो यही लिखिए जो इसमें लिखा हुआ है, ये ए वस्तु का है और ये बी वस्तु का है, और ये जो है वो कीमत रेखा है। अब हम क्या करते हैं कि इस बी के समुत्पाद वक्र को इसी के पैरेलल बिल्कुल ऊपर खिसकाते हैं, बी डैश है, और हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, यही OT है, इसका यही फैक्टर इंटेंसिटी है OT, जो ए के संदर्भ में भी है और बी के संदर्भ में। देखना यह है कि क्या हम एजवर्थ बॉक्स में यह स्थिति दिखा सकते हैं, क्या कोई ऐसा विकल्प है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि जितना जो फैक्टर इंटेंसिटी ए की है वही फैक्टर इंटेंसिटी
बी की भी है। ठीक है, आपने देख लिया जो इसमें बना है, इसमें डिटेल सारा है। टी बिंदु पर दोनों वस्तुओं में साधन गहनता समान है। टी बिंदु पर क्या है, ये टी बिंदु यहाँ है, देखो टी है। टी बिंदु पर दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में साधन गहनता कैसी है, एक समान है। इस स्थिति को एजवर्थ बॉक्स अगर साधन दिया हुआ है में व्यक्त करने पर ओटी रेखा के ऊपर या नीचे 1:1 रिलेशन का संबंध पाया जाता है। अब देखो क्या है, अगर तुम इस रेखा को के ऊपर हो एजवर्थ बॉक्स में किसी एक तरफ, चाहे इस तरफ रहो चाहे इस तरफ रहो, तब तो 1:1 रिलेशनशिप पाई जाएगी, अर्थात जो पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान रहेगा, जो श्रम प्रधान है वो श्रम प्रधान रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम इसको एजवर्थ बॉक्स में बनाएं, इसको मिला दें, देखो ये एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स का मतलब होता है कि जितना भी साधन है वो आपके पास वो सब दिए हुए हैं, इतना ही सब है, इससे अधिक आपके पास नहीं। कुछ नहीं है। और मुझे एक बात यह है कि सभी संसाधन इम्प्लॉयड हैं, पूर्ण रोजगार युक्त हैं, कोई भी साधन अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये देखो ओपन आर एलोकेशन कर्व है, ये इसके नीचे है, ये है साधन गहनता, देखो ई ये है ना? और ये जो बी बना है वो किसका है, ये है ना, तो साधन गहनता इसकी तो ओ टी है, लेकिन इसकी क्या होगी, ओ डैश की होगी। इसका मतलब कि दोनों की साधन गहनता कैसी है, अलग अलग है। इसका मतलब कि अगर ये भी फैक्टर इंटेंसिटी है तो हम एजवर्थ बॉक्स में उसको व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि एजवर्थ बॉक्स कभी भी एक फैक्टर इंटेंसिटी पे नहीं करता, जो भी बताएगा दो बताएगा। ऊपरी चित्र में ए के लिए साधन गहनता ओ टी तथा बी के लिए ओ डैश टी है और दोनों समान नहीं है, जबकि हमने देखा था कि साधन गहनता कैसी होती है, समान होती है। इसका मतलब एजवर्थ बॉक्स में दिखाना संभव नहीं है। अच्छा, स्पष्ट है कि साधन उत्क्रमणीयता की दशा में टी बिंदु पर साम्य नहीं होगा, अतः कॉन्ट्रैक्ट कर्व टी से होकर नहीं खींचा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ दोनों की साधन गहनता एक होनी चाहिए और एक नहीं है, इसका मतलब कि अब हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व खींचेंगे वो यहाँ से होकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है। तब क्या होगा, ओटी रेखा के नीचे दोनों वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान हो जाता है, परंतु एजवर्थ बॉक्स में डी बिंदु पर बी वस्तु को पूंजी प्रधान बना। हाँ, वैसे अगर आप इसकी व्याख्या करें देखो, तो यहाँ जो ये बना हुआ था अभी यहाँ, अगर इस ओटी के नीचे बने व्याज का नीचे या ऊपर जो पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान रहेगा, जो श्रम प्रधान है वो श्रम प्रधान। लेकिन अगर हम यहाँ ऐसा करना चाहें, मान लो इसकी ये ओटी है, इसके नीचे मान लो अगर हम करना चाहें ऐसे, ये अगर बनाए मान लो, ठीक है, तो अगर इसको बनाते हैं तब भी ऐसा होगा कि यहाँ देखो कह रहा है ओटी रेखा के नीचे दोनों वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान, वैसे तो अगर यहाँ रहेगा
तो दोनों का उत्पादन श्रम प्रधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो यह तो श्रम प्रधान होगा लेकिन यह क्या हो जाएगा, क्योंकि तो ऐसे आएगा ना तो यह पूंजी प्रधान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ओटी रेखा के नीचे की बात भी बताना चाहें कि दोनों श्रम प्रधान हो जाएंगे या ओटी रेखा के ऊपर दोनों पूंजी प्रधान हो जाएंगे तब भी संभव नहीं है, क्योंकि एक श्रम प्रधान हो जाता है और एक पूंजी प्रधान हो जाता है। इसमें देखो नीचे बना हुआ है ये चित्र, ये देखो, यहाँ देखो ओ ए, ये यहाँ ये रेखा जो है इसको मिल जाती है डी बी, ये बना हुआ है। अगर नीचे आते हैं तब क्या हो जाता है, एक श्रम प्रधान हो जाता है और एक पूंजी प्रधान, जबकि होना क्या चाहिए था दोनों श्रम प्रधान, ठीक है। ओटी रेखा के नीचे दोनों वस्तुओं का उत्पादन श्रम प्रधान हो जाता है, परंतु एजवर्थ बॉक्स में डी बिंदु पर बी वस्तु को पूंजी प्रधान बना देता है। निष्कर्ष, ऊपरी चित्र से स्पष्ट है कि P0 पर संतुलन संभव नहीं है। ये दोनों वस्तुएं श्रम प्रधान हैं तब उन्हें इस बॉक्स में दिखाना संभव नहीं है। ये लाइन आपको याद रखना है, परीक्षा में आता है कि यदि दोनों वस्तुएँ श्रम प्रधान हैं या दोनों पूंजी प्रधान हैं तो क्या उन्हें एजवर्थ बॉक्स में दिखाया जा सकता है, तो उत्तर होगा नहीं। ये तभी दिखाना संभव है जब एक श्रम प्रधान हो गए पूंजी प्रधान। हेक्सर वाली थ्योरी का यह निष्कर्ष कि संतुलन कीमतों के एक समुच्चय पर होगा यहाँ भी लागू होगा। हेक्सर वाली थ्योरी इज वैलिड अंडर फैक्टर रिवर्सल बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसका मतलब हेक्सर वाली का सिद्धांत साधारण क्रम लेता है कि संतुलन में लागू होता है लेकिन कुछ निश्चित दशाओं में। तो दशाएँ कौन सी हैं, यदि दोनों देशों का ओवरऑल फैक्टर एलोकेशन कर्व ओबी रेखा के एक तरफ पड़ता है, अर्थात अभी आगे देखना कि ओवरऑल एलोकेशन का मतलब ये रेखा होती है क्या होती है ओवरऑल, ठीक। तो दोनों देशों का, एक देश ये हो गया एक देश ये हो गया, दोनों देशों का ये जो ओवरऑल है एलोकेशन कर्व है अगर इस ओबी के एक तरफ पड़ता है या तो इधर पड़ता हो या ओबी के इधर पड़ता हो, ध्यान रखना जो फैक्टर इंटेंसिटी कर्व है ओटी जीते थे ना उसी को ओबी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आइडेंटिकल फैक्टर एलोकेशन जो फैक्टर इंटेंसिटी कर्व है जो साधारण क्रमणीयता को व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं ओबी। अगर ये ओबी रेखा दोनों देशों के ओवरऑल एलोकेशन कर्व के एक तरफ पड़ती है चाहे लेफ्ट में पड़े चाहे राइट में पड़े, तो ऐसी स्थिति में फैक्टर रिवर्सल होगा थियरी में लेकिन व्यवहार में सबको ऐसा नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा होती है तो फैक्टर रिवर्सल विल एग्जिस्ट इन थियरी बट विल नॉट प्ले रोल इन प्रैक्टिस। थियरी में तो पाया जाएगा लेकिन व्यवहार में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों देशों का ओवरऑल फैक्टर एलोकेशन कर्व ओबी रेखा की एक तरफ पड़ता है तब यह 1:1 का संबंध पाया जाएगा तथा अपूर्ण विशिष्टीकरण की दशा में दोनों देशों में साधनों की कीमतें पूर्णतया समान हो जाएंगी। ऐसी दशा में फैक्टर रिवर्सल एग्जिस्ट इन थियरी बट डज नॉट प्ले रोल इन प्रैक्टिस। यदि ओबी रेखा दोनों देशों के ओवरऑल एलोकेशन कर्व के बीच में है ये तभी संभव है जब साधन संपन्नता में बहुत अधिक अंतर है। अगर ये बीच में होता है मान लो कैसे इस तरह से होगा, अभी आगे बना है आ जाए तो बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, दोनों साथ चलेगा। ये देखो, ये देखो यहाँ तो ये बना है कि अगर दोनों का जो आपने पीछे देखा है ये है और ये अगर इसका एक एलोकेशन का ये है और इसका एलोकेशन का ये है, अगर ओ बी रेखा ऐसे बनती है इसके एक तरफ या उधर या तो इधर तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ थियरी में रहेगा व्यवहार में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी, 1:1 रिलेशनशिप पाया जाएगा, ठीक है। और ये वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर्व हो जाएगा इस तरह से ऐसे, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है जैसा बने आपका वैसा हो सकता है, ठीक है। इधर रहता है तो श्रम की प्रधानता, ऊपर रहता है तो पूंजी की प्रधानता, हमने पीछे इसको देखा हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में हो जाता है मान लो ओबी कर्व, कैसे
ओ बी करो वहाँ को दोनों के बीच में हो जाता है अगर, और बीच दोनों के तब होता है जब साधनों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। बीच में तब होता है जब साधनों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर ऐसा है तब क्या करते हैं कि ये अगर साधनों में अंतर बहुत ज़्यादा होता है और ये बीच में पड़ता है तब इनका जो कॉन्टैक्ट कर्म होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखा रहा है कि कंट्री अगर इसको एक माना जाए, मान लो ये एक देश है और ये दूसरा देश है, तो एक देश में ए वस्तु श्रम प्रधान तथा बी पूंजी प्रधान है, जबकि दो में इसके विपरीत है। ठीक है, क्योंकि इसका ऐसे ढांचा बना हुआ है यानी इसमें श्रम की बात कर रहा है और ये ऐसे बना हुआ है यानी ये पूंजी की बात कर रहा है, तो एक जगह ये वस्तु श्रम प्रधान है और एक जगह ये वस्तु अगर बीच में है तब फैक्टर यूनिवर्सल सही सही में पाया जाएगा, अगर एक तरफ है तब फैक्टर यूनिवर्सल की स्थिति नहीं पाई जाएगी। यहाँ थियरी और प्रैक्टिस दोनों में फैक्टर यूनिवर्सल विद्यमान होगा, ये जो भी देखा दोनों देशों के होगा फैक्टर एजुकेशन वक्त भी बीच में पड़ता है। ठीक है, अब देखो एक बहुत बढ़िया सवाल और कठिन सवाल, थोड़ा तुमको बुद्धि में लगानी पड़ेगी और अक्सर परीक्षा में आता है, या पूरे पूरे कह लो कि हेक्सल वाली थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसकी व्याख्या करना कि फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर इंटेंसिटी और कमोडिटी प्राइसेस में क्या संबंध पाया जाता है, रिलेशनशिप इन बिटवीन फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब साधन गहनता यानी कैपिटल लेबर रेशियो, ये समझ लीजिए बेसिक में। फैक्टर इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया, यही तो होता है ना कितना पूंजी कितना श्रम लगा है, ये तो हम निकालते हैं इस रेखा से, तो क्या हो गया कैपिटल लेबर रेशियो। फैक्टर प्राइसेस का कैसे होगा, फैक्टर प्राइसेस का मतलब प्राइस ऑफ कैपिटल और प्राइस लेबर ना, और कमोडिटी प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी, तो कीमतों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, साधनों की कीमतों का अनुपात और साधनों की मात्रा का अनुपात, इनके बीच के रिलेशनशिप की आप व्याख्या कैसे करेंगे, यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, इसमें लिखा हुआ है बहुत साफ साफ और बहुत सुंदर बना भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो सुन करके। देखो मान लिया ए वस्तु की मांग, जैसे जैसे मान रहे हो वैसे वैसे समझते भी जाओ, इतना समझ गया ना फैक्टर प्राइस, कमोडिटी प्राइस और साधन अनुपात ना। देखो मान लिया ए वस्तु की मांग बढ़ती है, जो पहला देश है अपने कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ओ से ओ तक की तरफ बढ़ेगा, ए श्रम प्रधान है अतः श्रम की मांग बढ़ेगी, फलस्वरूप श्रम की कीमत बढ़ेगी। अब देखो ए वस्तु की मांग बढ़ रही है, अपने दिमाग में पूरा एक बार दबाव से ले आओ, ए वस्तु की मांग बढ़ रही है तो जो कंट्री एक है जो ओ आपको दिखाई दे रही है वो एक उत्पादन मांग, तो वह उसकी ए की मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, ओ डैश की तरफ जाएगा, और जब ओ का उत्पादन बढ़ाना होगा उसको तो फिर क्या होगा, ए के लिए श्रम की ज़्यादा जरूरत है तो श्रम की मांग बढ़ेगी, श्रम की मांग बढ़ेगी श्रम की कीमत क्या होगी, श्रम की मांग बढ़ेगी श्रम की कीमत क्या होगी, हैं अरे जो जरूर हमको
श्रम की मांग बढ़ गई तो श्रम की कीमत क्या होगी? तो आधे आधे बिजली घटा तो बढ़ाओगे, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जिस किसी की भी मांग बढ़ जाएगी उसका महत्व तो बढ़ जाएगा। वो दुनिया में कुछ भी हो, चाहे व्यक्ति हो, सामान हो, साधन हो, चाहे जो भी हो, अगर उसकी मांग बढ़ गई उसका महत्व तो बढ़ गया तो कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ तो कीमत बढ़ जाएगी और लागत को कम करने के लिए उत्पादक श्रम को पूंजी से प्रतिस्थापित करेगा तथा कैपिटल लेबर अनुपात बढ़ जाएगा। अतः कंट्री ए में, अब देखो यहाँ ये बात समझने वाली है, पूरी बात क्लियर हो गई। श्रम ए वस्तु की मांग बढ़ गई इसलिए ए का उत्पादन बढ़ेगा, ए के उत्पादन में श्रम की मांग बढ़ेगी, श्रम की कीमत बढ़ जाएगी इसलिए हम श्रम की जगह पूंजी को प्रतिस्थापित कर देंगे, अर्थात उत्पादन में अब पूंजी ज़्यादा लगेगी, श्रम कम लगेगा। अर्थात जो पी वन ए है, ए है, यह ए वस्तु की कीमत है, यह कैपिटल और लेबर का अनुपात, उपयोग किए जाने वाले साधन की फैक्टर इंटेंसिटी है। ठीक है, तो जो पी वन ए है यह बता रहा है कैपिटल लेबर रेशियो को, और यह क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा पूंजी लगेगी और श्रम कम लगेगा, तो अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा। और पी वन ए भी क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा है तो जो कीमत अनुपात है पी वन ए बटा पी वन बी में क्या होगा? बढ़ जाएगा। दस मिनट जाओ। ठीक है, ये पी वन ए और पी वन बी भी क्या होगा? कीमत अनुपात में भी जब ये महंगा हो गया तो पी वन ए पी वन बी का अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यहाँ जो हम दिखाते हैं इतना जब हमको सब मिल गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आ रहा है? अब देखो यहाँ हो गया कीमत अनुपात दिखाते हैं पी वन ए बटे पी वन बी, और यहाँ दिखाते हैं पी वन ए, या इसी को आप कहते हैं कैपिटल लेबर पी वन ए, वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है, देख रहे हो ना दोनों निशान कैसे लगा हुआ है, और ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सबके बीच संबंध कैसा पाया जाता है? ये कंट्री वन में वस्तुओं की कीमतें, साधनों की कीमतें और साधन अनुपात के बीच संबंध कैसा है? ऊपर की तरफ उठता हुआ, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सब कैसा होते हैं? बढ़ते हैं। अब देखो कंट्री टू में क्या हो रहा है, दूसरे देश में ए वस्तु पूंजी प्रधान है इसलिए पूंजी की मांग अधिक होगी और पूंजी महंगी हो जाएगी। दूसरे देश में ए वस्तु कैसी है? पूंजी प्रधान है, तो वहाँ पूंजी की मांग ज़्यादा होगी इसलिए पूंजी क्या होगी? महंगी हो जाएगी, और परिणाम स्वरूप अधिक श्रम का प्रयोग करेगा और कैपिटल लेबर का अनुपात कम हो जाएगा। अब देखो दूसरा जो है कीमत पी टू ए, यहाँ उसमें जो कैपिटल लेबर रेशियो है वहाँ क्या होगा? यहाँ सीधा संबंध है और यहाँ संबंध कैसा हो जाएगा? उल्टा, क्योंकि यहाँ कम पूंजी लगाएगा श्रम ज़्यादा लगाएगा, तो पूंजी श्रम अनुपात कम हो जाएगा। तो दूसरे देश में जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूंजी श्रम अनुपात कम हो जाता है, ऐसे समझो। ठीक है, तो एक ये बढ़ेगा पी टू ए, क्या होगा पी टू ए अगर बढ़ता है, ये वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो कपड़े लेबर रेशियो क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब कि रिलेशनशिप कैसी होगी? अपोजिट हो जाएगी ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया, इसको मिटाते हैं। यानी ये देखो पी टू ए, पी टू ए बटे पी टू बी, ये कैसा हो जाएगा? ये कंट्री टू में रिलेशन कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, गिरता हुआ हो जाएगा। ठीक है, पी टू ए बराबर कैपिटल लेबर रेशियो घटता हुआ तथा पी टू ए बटा पी टू बी जो है ये कीमत अनुपात क्या होगी? ये बढ़ता हुआ होगा, क्योंकि पी ए महंगा हो गया है, पी क्या है? सस्ता है, तो ये रेशियो कैसा आएगा? ज़्यादा। तो ये ज़्यादा आएगा और ये कैसा आएगा? कम आएगा।
इसलिए एक बढ़ेगा और एक घटेगा। अब देखो पूंजी की कीमत बढ़ने पर कैपिटल लेबर का अनुपात क्या होगा, एक चित्र और रह गया अभी। अगर पूंजी की कीमत बढ़ गई, ये है तुम्हारा कैपिटल लेबर का रेशियो। पूंजी जब महंगा हो गया तो कैपिटल लेबर रेशियो में क्या हो जाएगा, कम पूंजी लगेगी ज़्यादा लेबर लगेगा, यानी रेशियो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी अगर यहाँ देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ बी, तो कैपिटल लेबर रेशियो के संबंध के भी संबंध कैसा होगा, अपोजिट। बच्चों के लिए बढ़ेंगे तो कैपिटल लेबर रेशियो, क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है, उसमें कोई समस्या हुई नहीं। पी ए पान पी बी में जब पी ए की कीमत बढ़ गई, पी ए रेशियो क्या हो गया, बढ़ गया, और कैपिटल लेबर रेशियो घट गया, तो इसके बीच संबंध कैसा होगा, नीचे गिरता हुआ। अब हमको तीन चित्र प्राप्त हो गए ना, एक ए के संबंध में, एक कंट्री वन का, एक कंट्री टू का, और एक तीसरा प्राइस रेशियो और कैपिटल लेबर रेशियो का। अब इन सब का, इन सब को हम एक साथ अगर दिखाते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, जिसके लिए सारा ये हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अलग 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 अलग, तो हम सबको एक साथ कैसे बनाएंगे, वो ये देखो। अब देखो रिलेशनशिप थ्रू फिगर, अब हमने तीनों चित्रों को एक साथ बना दिया। ठीक है, दिख रहा है, ये यहाँ हो गया हमारा सीधे सीधे देखते हैं, ये होगा पी ए अपान पी बी, पी ए अपान पी बी, यहाँ कैपिटल लेबर रेशियो, यहाँ पी वन ए और पी टू ए। ठीक है, अब हमने ए का क्या करते हैं, ये दोनों देशों का, ये कंट्री एक को इस पर दिखा देते हैं और एक को इस पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये कंट्री टू है, यहाँ अपोजिट रिलेशन है, और ये क्या है कंट्री वन है, यहाँ बढ़ता हुआ रिलेशन। अब मान लो पी ए और पी बी का यह एक कीमत है जो दोनों में पाई जाती है ना, और ये तुम्हारा कैपिटल लेबर रेशियो का साधन का मूल्य यहाँ दिखाया गया है, कीमत अनुपात जो है। ठीक है, यहाँ ये यहाँ पर कीमत अनुपात है। अब देखो अगर इसको हम नीचे गिरा दें यहाँ, और इसको क्या करें नीचे गिरा दें, यहाँ कीमत ये होगी और इस देश में कीमत, साधन की कीमत दूसरे देश में ये होगी और पहले देश में क्या होगी, ये होगी। इसका मतलब दोनों देशों में साधनों की कीमतें कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। मुद्दा सिर्फ यह है कि दोनों देशों में साधन कीमतें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब इसकी व्याख्या देखो, अब मान लिया वस्तुओं के कीमत अनुपात पी वन ए बटा पी बी ए हैं, देश टू में पूंजी महंगी तथा एक में सस्ता होने के कारण प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर अनुपात दो में अधिक तथा एक में कम होगा। साधन उत्क्रमणीयता की दशा में ये कहना मुश्किल है कि कौन सा देश किस वस्तु के उत्पादन विशेषज्ञों में प्राप्त तथा निर्यात करेगा। मान लिया देश एक में ए वस्तु महंगी है तथा दो में बी वस्तु महंगी है तथा ए बस सस्ती है, यदि व्यापार प्रारंभ होता है तो एक देश जो है बी के उत्पादन में तथा दो देश ए के उत्पादन में विशेषीकरण प्राप्त करेगा। एक देश पूंजी प्रधान तथा दो श्रम प्रधान है। अब देश एक बी वस्तु जो कि देश एक में पूंजी प्रधान है के उत्पादन में विशेषता एवं निर्यात करेगा,
देश दो जो कि श्रम प्रधान है, वस्तु ए पूंजी प्रधान का उत्पादन एवं निर्यात करेगा, अर्थात दोनों ही देश पूंजी के हर वस्तु का उत्पादन एवं निर्यात करेंगे, जो कि हेक्सर ओरिन थ्योरी के विरुद्ध है। इसके विपरीत स्थिति को भी कल्पना की जा सकती है। अगर इस तरह का फैक्टर रिवर्सल की स्थिति पाई जाती है और उसमें अगर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो होगा क्या कि पूरी व्याख्या में एक की मांग अगर बढ़ती है तो एक की मांग एक जगह श्रम प्रधान है और एक जगह पूंजी प्रधान है। ऐसे में अगर श्रम की मांग बढ़ेगी तो श्रम की का उत्पादन बढ़ेगा और श्रम वस्तु का एक उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की मांग बढ़ेगी। श्रम की मांग बढ़ने की वजह से जहाँ श्रम दोनों जगह महंगा हो जाएगा, और आपने देखा कि दोनों ही जगह उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी प्रधान हो जाएगा, अर्थात दोनों ही पूंजी प्रधान वस्तु का लगेंगे उत्पादन करने और निर्यात करने। जबकि सच्चाई यह है कि एक देश को श्रम प्रधान करना चाहिए, एक देश को पूंजी प्रधान। तो हेक्सर ओरिन थ्योरी ये कहती है कि इसलिए ये बात यहाँ स्पष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। तो अब ये दूसरा प्रश्न है कि क्या फैक्टर रिवर्सल की स्थिति में साधन मूल्य समानीकरण संभव है, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इन केस ऑफ फैक्टर रिवर्सल। तो अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम इसके साधन मूल्य समानीकरण का मतलब, जैसे दोनों मूल्य अलग अलग है ना, अब मान लो व्यापार शुरू हो जाता है, यही देख लेते हैं साधन मूल्य समानीकरण आगे इसमें लिखा हुआ, केवल एक चित्र बढ़ा देना है, कुछ करना नहीं इसमें। अब देखो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन केस ऑफ फैक्टर रिवर्सल, अब मान लो कि एक अंतर्राष्ट्रीय, ये तो घरेलू कीमत रेखाएं दोनों की ये है, ये दोनों की है। अब अगर मान लो ये बंद हो जाती है रेखा, ये अगर ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा हो जाती है मान लो, तो अब देखो ये इस देश में यहाँ कीमत ये रहेगा साधन कीमत, और इसका कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ये देखो अब भी देखो कैसा है गैप। अब ये अंतर, क्या अंतर कभी खत्म होगा, तो क्यों नहीं खत्म होगा। अब देखो इसमें क्या है, मान लिया देश एक में ये वस्तु महंगी है, इसलिए P1A P1B इज ग्रेटर देन P2A P2B, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी होगा जब एक के लिए B महंगी हो तथा दो के लिए A महंगी हो, को मान लिया जाए। यह कीमत PIA PIB है, जो P1A तथा P1B तथा P2A तथा P2 के बीच में। अब व्यापार प्रारंभ होने पर साधन कीमतों के समान होने की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, यदि PIC1 और PIL1 तेजी से बढ़े तथा PIC2 PIL2 धीरे धीरे बढ़े तो ऐसा हो सकता है, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि पूंजी प्रधान देश में पूंजी कीमत सदैव कम रहेगी। अब देखो क्या है, ये दोनों के बीच की दूरी घटाने की बात कर रहा है। अगर यहाँ जो है प्राइस ऑफ कैपिटल प्राइस ऑफ लेबर 2 का जो है इसका 1 का मान, ये 1 है, ये तेजी से बढ़े और इसका वाला धीरे धीरे बढ़े, तो हो सकता है कि दौड़ा तो क्या करे, पकड़ ले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो पूंजी प्रधान देश है वहाँ तो पूंजी हमेशा सस्ती ही रहेगी निश्चित रूप से, अर्थात किसी भी दशा में साधन मूल्य बराबर नहीं हो सकते कि दोनों देशों में साधनों की कीमतें आपस में बराबर हो जाए, और नहीं बराबर होंगे, यही साधनों की कीमतों में अंतर। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन में हम ये कहते हैं इनके ऐसा फैक्टर रिवर्सल, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन संभव नहीं है। तो ये तुम्हारा